अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर वाशिंगटन में थे और वहाँ उन्होंने अमेरिका में बैठ के चाइना की फेवर में बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया हुआ है और इससे अमेरिका यकीनन खुश नहीं होगा बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि जिस तरह अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी है कि अमेरिका के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना है वैसे ही हमारी भी पॉलिसी है हम बांग्लादेश के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं और उन्होंने वही बात की है जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कुछ रोज़ पहले की थी कि हम सब साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं लेकिन हम कैंप पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनेंगे जैसा कि न्यू एज बांग्लादेश कह रहा है कि नेशनल इंटरेस्ट ड्राइव बांग्लादेश फॉरन पॉलिसी मिनिस्टर इसमें वो एक इंटरेस्टिंग बात कोट कर रहे हैं कि वी नीड टू हेल्प डेवलप आवर इकोनॉमी एंड चाइना हैव अ ऑफ मनी चाइना कैम विद अ बास्केट ऑफ मनी विथ अफोर्डेबल एंड एग्रेसिव प्रपोजल्स अच्छा ये याद रहे कि अमेरिका में हैं वहां ये बात कर रहे हैं इससे ये वाज हो रहा है कि अमेरिका के शदीद दबाव के बावजूद बांग्लादेश चाइना के खिलाफ जाने को तैयार नहीं है इसके अलावा एक अमेरिका बांग्लादेश सिक्योरिटी डायलॉग्स भी हो रहे होते हैं और इसका आठवां राउंड भी एक दो रोज़ पहले हुआ है अब इस सिक्योरिटी डायलॉग्स में हुआ यह है कि अमेरिका बांग्लादेश के साथ दो डिफेंस एग्रीमेंट करना चाह रहा है और अमेरिकन चाह रहे हैं कि एनी हाउ यह दो डिफेंस एग्रीमेंट्स हो जाएं एक तो वो जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट है अमेरिका का वो करना चाह रहे हैं एक तो ये बहुत बड़ा मिलिट्री एग्रीमेंट है जो कि गलबा उन्होंने इंडिया से भी कर रखा है अमेरिकन ने ये वो बांग्लादेश के साथ भी करना चाह रहे हैं दूसरा वो बांग्लादेश के साथ एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं ये दो बड़े इम्पॉर्टेंट डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं जो कि अमेरिका बांग्लादेश के साथ एनी हाउ करना चाहता है देखें चाइना काफ़ी टाइम से कह रहा है कि अमेरिका यहां एशिया के अंदर एक एशियन नेटो बनाने के अटेम्प्ट में है और इंडिया मुकम्मल तौर पर उनके साथ है लेकिन उनको बाकी के जो एशिया के मुल्क हैं उनकी भी सपोर्ट चाहिए बांग्लादेश और पाकिस्तान के ऊपर वैसे मैं हमेशा आपको बताता रहा हूं कि शदीद दबाव है इस हवाले से क्या आप एशियन नेटो में शामिल हो जाए पाकिस्तान के बारे में जरा आपको एक अपडेट देता चलूं यहां कि मुझे नहीं पता इमरान खान कितना टाइम वहां पर प्राइम मिनिस्टर रहेगा नहीं रहेगा क्योंकि पूरा सिस्टम उसके खिलाफ है इस वक्त लेकिन अगर वो हट भी जाता है तो ये बात नोट कर लें ये बात नोट कर लें कि जो भी अपोजिशन का प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो पहला दौरा या तो सऊदी का करेगा या फिर चाइना का कर सकता है दैट आई कैन टेल यू इसकी वजह यह है कि इस वक्त जो इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर माहौल क्रिएट कर दिया है ये दिस इज एक्सट्रीमली एंटी अमेरिका वो बहुत ही यानी कि वहां पर एक बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है जो कि अमेरिका के खिलाफ बिखरे हुए एक तरह से एक एंटी अमेरिका वेव चल रही है पाकिस्तान के अंदर तो अपोजिशन फूंक फूंक के कदम रखेगी अगर वो अपना प्राइम मिनिस्टर लेके आएंगे वो ऐसा हो नहीं सकता कि वो बस उनको खुला मैदान मिल जाए और वो मतलब ऐसे ही जाके और धपड़दूस कर देंगे चाइना पाकिस्तान रिलेशन को ऐसा नहीं हो सकता अगर इनको सरकार मिली तो पहली बात यह है कि ये कोई ज़्यादा देर के लिए मिल नहीं रही उनको सरकार तो ये बात तो भूल जाएं कि वो कोई चाइना के ख़िलाफ़ जाएंगे इलेक्शंस हो सकता है इसी साल हो जाएँ पाकिस्तान के अंदर नज़र ऐसा ही आ रहा है कि इसी साल मुझे इलेक्शंस होते हुए नज़र आ रहा है पाकिस्तान में वैसे अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना आता ना इमरान खान के ख़िलाफ़ जो कि लाने की अटैम्प्ट हो रही है जिसके लिए इमरान खान कह रहा है कि अमेरिका लाएं अगर ये ना होता ना तो अगले साल के फ़र्स्ट हाफ में यानी मार्च फेबरवरी मार्च में मेरे ख्याल से या अप्रैल में इलेक्शंस हो जाते अगर ये ना आता तो तो इट्स जस्ट मैटर ऑफ मंथ्स ओनली के वहाँ पर इलेक्शन हो जाएँ अच्छा जिस वजह से ये दूसरी सरकार लाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर इमरान खान कह रहा है द मेन एम वुड बी टू ब्रिंग फेवरेबल लॉस वो जो कानून है उसमें तब्दीलियाँ करेंगे उसके सहारे पे अपोजिशन अगली सरकार बनाने के अटैम्प करना चाह रही है मिसाल के तौर पर देखें इमरान खान ने एक कानून बनाया है कि पाकिस्तान से बाहर जो कोई नब्बे लाख पाकिस्तानी बाहर रहते हैं उनको वोट का हक इमरान खान ने दिया हुआ है कि वो वोट कर सकेंगे अगले इलेक्शन में इसकी वजह यह कि मैसिव तादाद जो ओवरसीज पाकिस्तानीज की है वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं यह अजब बात है कि पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तान रहते हैं जिनको वोट का हक नहीं था जिनके सहारे पे फॉरेन रिमिटेंसेज पाकिस्तान के टिके हुए हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी अगर आप ये पैसे भेजना बंद करें पाकिस्तान बैंक भी हो सकता है ये भी मैं आपको बता दूं बहुत बड़ी तादाद जैसे बांग्लादेश के बहुत सारे वर्कर्स हर साल जैसे लास्ट ईयर बांग्लादेश के वर्कर्स ने कोई इक्कीस बाईस अरब डॉलर भेजें पाकिस्तान का यही हिसाब है बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी वहाँ पर रहते हैं और वो बड़ा पैसा भेज रहे होते हैं पाकिस्तान के अंदर तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत बड़ी स्टेबिलिटी देते हैं इन्हीं बेचारों को वोट का हक हाँ नहीं था तो इमरान खान ने दिया हुआ है और अक्सर इनमें से जो है वो इमरान खान के सपोर्टर है तो इसको ख़त्म करेंगे वो यानी ये जो वोट का हक़ हाँ दिया हुआ है और ये ख़त्म हो सकता है अगर ये आ गए तो और उसके अलावा वो इमरान खान जो वोटिंग कराना चाहता है वो मशीन पे कराना चाहता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे हो ताकि कोई धांधली का किसी वो जो ठप्पा लगता है पेपर के ऊपर इमरान खान चाहता है ये नहीं इसमें धांधली होती है गड़बड़ होती है इसको छोड़ें कंप्यूटर पर सारा कुछ पब्लिक के सामने होना चाहिए कि कौन किसको वोट दे रहा है ये भी ख़त्म हो सकता है अगर वो आएंगे तो इसके अलावा इनके बहुत सारे जो अपोजीशन के लीडर्स हैं उनके ऊपर करप्शन और लूट मार केसेज़ हैं एक इदारा है पाकिस्तान के अंदर नैब तो नैब के अंदर बहुत सारे केसेज हैं नैब को ही ख़त्म करने के अटैम्प्ट हो सकते हैं तो ये वो चीज़ें हैं तीन चार जो कि अपोजीशन की जब गवर्नमेंट आएगी वो इसको करके और फॉरेन इलेक्शन अनाउंस कर देंगे तो ये जो सरकार बन रही है वहाँ पर इमरान खान की जगह पे असल में वो इसीलिए बन रही है कि अगले इलेक्शंस की तैयारी हो इसमें फॉरेन पॉलिसी कोई छेड़ नहीं सकते हाँ अगली जो सरकार आएगी ना तो वो फिर हो सकता है कि इस तरह की चीज़ें करे जो कि जिससे कुछ गड़बड़ पैदा हो सकती है पाकिस्तान फॉरनिशियो में एनी हाउ देखते हैं अगले इलेक्शन में कौन आता है इमरान खान का पलड़ा इस वक्त भी आई वुड से कि भारी है बहरहाल जी तो वो जो मैं बांग्लादेश की बात कर रहा था ये तो पाकिस्तान का मैंने आपको ऐसे ही जनरली बता दिया कि वहाँ पर इस वक्त सिचुएशन क्या है तो बांग्लादेश के साथ जो दो, दो अहम दिफाई पैक्ट अमेरिका करवाना चाह रहा है उनमें से जो जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री एग्रीमेंट है वो शायद हो जाए मुमकिन है क्योंकि बहुत ज्यादा अमेरिका का दबाव है बांग्लादेश के ऊपर ये करें अभी जो 20 मार्च को अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी विक्टोरिया नोलैंड साहब आई थी बांग्लादेश उन्होंने इस डिफेंस एग्रीमेंट का ड्राफ्ट पास किया था ड्राफ्ट लेकिन ये ड्राफ्ट है बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्ट्री के कुछ ऑफिशियल्स ने कहा हुआ है कि हम इस ड्राफ्ट को पढ़ेंगे इसका जायजा लेंगे लेकिन अभी हम इसको साइन करने की पोजीशन में नहीं है लेकिन ये अब जो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर का चाइना के हक में बयान आया है ना अमेरिका में बैठ के इसको देख के लग ये रहा है कि बांग्लादेश शायद अमेरिका को चाइना के खिलाफ कोई उस तरह से जाके स्पेस ना दे जो कि अमेरिका एक्सपेक्ट कर रहा है और जो बैकडोर डिप्लोमेसी इस वक्त चल रही है ना उसमें ज्यादा पता है क्या डिस्कस हो रहा है बांग्लादेश और अमेरिका के बीच वो जो अमेरिका एंटी चाइना चीज़ें करवाने की कोशिश कर रहे हैं उससे ज़्यादा बांग्लादेश ये डिस्कस कर रहा है कि ये जो आपने हमारी रफ फोर्स पर सेंशन लगाए हैं ना इसको तो हटा देना बरए मेहरबानी ये ज़्यादा डिस्कस हो रहा है अच्छा वैसे ये जो रफ़ फोर्स पर सेंशनस लगी हैं मैं आपको ज़रा बता दूँ ये कितनी ख़तरनाक हो सकती हैं इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है देखिए अमेरिका ने ईरान की जो अलकुद्स फोर्स है इसके लिए अभी एक दो रोज़ पहले बाइडेन साहब ने कहा हुआ है अमेरिका ने कहा है कि बाइडेन इसको दहशतगर्द फोर्स मानता है और ईरान की जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स है जो उनके पास इंकलाब हैं इनको भी अमेरिका ने बहुत पावरफुल फ़ोर्स है ये बहुत पावरफुल फ़ोर्स है और शायद ईरान की सबसे जो बेस्ट फोर्स है वो यही है डायरेक्टली ये सुप्रीम लीडर के अंडर आती है पासदारान्कलाब इंकलाब। इनको तो उन्होंने अमेरिका ने डायरेक्टली दहशत गर्द ही डिक्लेयर कर रखा है इस फोर्स को तो अगर अमेरिका प्रेशर बढ़ाने पे आएगा ना बांग्लादेश के ऊपर सिक्योरिटी और डिफेंस के सेक्टर में तो रब फोर्स के अलावा बाकी की फोर्सेस पर भी कोई ना कोई बहाना झूठा सच्चा बना के वो इनको भी बैन कर सकता है मसला सारा ये इससे क्या होगा कि ये प्रोक्रूमेंट नहीं कर पाएंगे उस लेवल की इनके जो ऑफिशर्स है वो मूवमेंट नहीं कर पाएंगे इतना ज़्यादा दुनिया में इधर से उधर जाना और एज आई सेड वो ये सबसे मेन मुद्दा है वो नहीं कर पाएंगे मतलब वो जैसे आजकल आप देखें कि फ्रांस के साथ और कई और वेस्ट के मुल्कों के साथ डिफरेंट प्रोडक्ट्स लेने के लिए बांग्लादेश जो है ना वो इंटरेस्टेड दिखा इंटरेस्ट दिखा रहा है लेकिन जब सेंकशन लग जाएंगे तो फिर ये चाइना और रशिया के ऊपर ही इनको सारा कुछ रिलाई करना पड़ेगा ये है उनका ऑप्शंस लिमिटेड हो जाएंगे फिर तो ये बहुत बड़ी एक चीज़ है अमेरिका प्रेशर डालने के लिए आहिस्ता आहिस्ता ये इस तरफ जा सकता है इसकी वजह यह है कि जो मौजूदा बांग्लादेश की पॉलिसी है ना उसको देख के यही लग रहा है कि बांग्लादेश अमेरिका के जो रिलेशन हैं वो लॉन्ग रन में ख़राब होने जा रहे हैं अगर बांग्लादेश की मौजूदा पॉलिसी जारी रहती है और वो चाइना के खिलाफ नहीं जाते तो फिर इसी तरफ मामलात जा रहे हैं जो सिक्योरिटी रिलेशन है इकोनॉमिक रिलेशन्स भी ऊपर नीचे हो सकते हैं दिस इज़ ऑल्सो वेरी मच पॉसिबल मुझे लग रहा है कि ये ख़राबी की तरफ मामलात जा रहे हैं अनटिल एंड अनलेस बांग्लादेश को रिलीफ दे दे अमेरिका को अगेंस्ट चाइना